मदारी की ताल पर नाचते भालू को कौन नहीं जानता है। भालू जो कि बेहद खूबसूरत और समझदार जानवरों में से एक है। भालू वैसे तो शांत जानवर है, लेकिन जंगली भालू बहुत खतरनाक होता है और इंसानों को नुकसान भी पहुंचा सकता है, और खासकर ध्रुवीय भालू जो मांसाहारी होते हैं। तो आइए आज हम इस वीडियो में भालू के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हमारे चैनल नॉलेज हैकर को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। इनमें से कुछ तथ्य ऐसे भी हैं जिनके बारे में आपको शायद ही पता हो, तो चलिए जानते हैं ये भालू की जानकारियाँ बेहद रोचक, मजेदार और ज्ञानवर्धक होने वाली है। भालू एक मांसाहारी जानवर है और इन्हें मछलियाँ खाना बेहद पसंद है। यूँ कहिए कि मछली भालू का प्रिय भोजन है। भालू के चार पैर होते हैं, लेकिन अपने आगे के पंजों का इस्तेमाल ये हाथ की तरह भी कर लेते हैं। भालू अपने पिछले पैरों पर खड़ा भी हो सकता है। भालू के पैर के नाखून बड़े और तेज होते हैं, जो किसी भी जानवर का शिकार कर सकते हैं। भालू की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है और यह कई किलोमीटर दूर से भी शिकार को सूंघ लेते हैं। भालू की 8 प्रजातियां अभी तक ज्ञात है, इनमें से 6 प्रजातियां सर्वाहारी होती है। भालू मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय भालू, जंगली भालू। ध्रुवीय भालू सफेद रंग के होते हैं, ये धरती के ध्रुवों में पाए जाते हैं और ध्रुवीय भालू का वजन 700 किलो और लंबाई 9 फुट तक होती है। जबकि जंगली भालू भूरे रंग के होते हैं और इनका वजन 360 किलो और लंबाई 7 फुट तक होती है। ध्रुवीय भालू के बाल जंगली भालू से ज्यादा बड़े होते हैं और ये आकार में भी जंगली भालू से बड़े होते हैं। भालू नदियों और तालाबों के आसपास रहते हैं। भारत में भालू हिमालय पर्वत के इलाकों में पाए जाते हैं। ध्रुवीय भालू धरती के अंटार्कटिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ध्रुवीय भालुओं की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय भालू की छाती पर वी आकार का निशान पाया जाता है और ये भूरे काले रंग के होते हैं। भालू पेड़ों पर आसानी से चढ़ जाते हैं और ये अच्छे तैराक भी होते हैं। ज्यादातर भालू गुफाओं में रहना पसंद करते हैं। भालू एक छोटे और मोटे शरीर वाला जानवर है जिसका वैज्ञानिक नाम उर्सिडे है। ये सामान्यतः गर्मियों में सुस्त तापमान वाले स्थलों पर पाया जाता है, जैसे कि जंगल और पर्वतीय क्षेत्र। इनके लक्षणीय विशेषताएं उनकी विशाल दलों और वन्य जीवों से संबंधित जीवन शैली में आती हैं। भालू के शारीरिक विशेषताएं इसकी सुरक्षा की अद्वितीय तरीके को बताती हैं। इसकी मोटी त्वचा और घने बालों से ढकी हुई शरीर उसे ठंडे तापमान में भी गर्मी से बचाती है। ये बाल उसके पूरे शरीर को ढककर उसकी गर्मी रक्षा करते हैं और तापमान की बदलती उसकी आवश्यकताओं के अनुसार उसकी विशेषताओं को दिखाते हैं। एक भालू का दिल 1 मिनट में 40 बार धड़कता है, लेकिन जो भालू शीत निंद्रा में होते हैं उनका दिल 1 मिनट में 8 बार धड़कता है। भालू बैल अकेले ही रहते हैं। बच्चा पैदा करने के लिए नर और मादा भालू साथ आते हैं। बच्चा मादा के साथ कुछ समय तक रहता है। भालू की उम्र 30 साल तक होती है, ये भालू का औसत जीवन काल है। भालुओं में एक प्रजाति सूर्य भालू की है, जिसके पंजे सबसे बड़े होते हैं और इनकी जीभ 9 इंच से ज्यादा होती है। भालू का शरीर भारी होता है, लेकिन ये तेज दौड़ने में माहिर होते हैं। इनकी रफ्तार 64 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। बच्चों का खिलौना टेडी बियर भालू ही है। भालू ऐसा जानवर है जिसके खिलौने से बच्चे सबसे ज्यादा खेलते हैं। भालू की टांगे कमान की तरह होती है, जो उनका संतुलन बनाए रखती है। ध्रुवीय भालू पानी में 8 फुट तक की छलांग लगा सकता है। भालू अफ्रीका महाद्वीप में नहीं पाए जाते हैं, ये केवल अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीपों पर पाए जाते हैं। अमेरिका के 98% भूरे भालू अलास्का में रहते हैं। भालू शरीर से काफी भारी होता है और लंबा चौड़ा इसका शरीर होता है। बर्फीले इलाकों में रहने वाले भालू ही मांसाहारी होते हैं, जबकि ग्रेवली भालू मांसाहारी और शाकाहारी दोनों ही होते हैं। भालू का आहार मुख्य रूप से फल, खेतीबाड़ी उपज और मधुमक्खियों का प्रोत्साहन करने वाले फूलों पर आधारित होता है। यह एक विशेष प्रकार की पृष्ठभूमि और वन्य जीवों के साथ संबंधित अनुकूलता विकसित करने में मदद करता है। भालू की शारीरिक संरचना उसे दरबारी प्रणाली का हिस्सा बनाती है, जिसके कारण उसका पाचन तंत्र सब कुछ पचा सकता है, विशेष रूप से वो खाद्य पदार्थ जो सामान्य जानवरों के लिए अच्छे नहीं होते। भालू का व्यवहार और उसकी सामाजिक व्यवस्था भी रोचक है। ये सामान्यतः एकांतवासी जानवर होते हैं, जो अकेले ही रहते हैं और अपने क्षेत्र में शिकार करने की प्रवृत्ति रखते हैं। यह अपने खाद्य स्रोत की रक्षा के लिए भी अकेले ही जिम्मेदार होते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल नॉलेज हैकर को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन और हमें मोटिवेशन मिल सके ताकि आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेके आते रहें।
भालू का मानव से लगाव भी इतना है कि उसकी चित्रणा विभिन्न संस्कृतियों में की गई है। कई स्थानों पर भालू को देवता के रूप में पूजा जाता है और उसे धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है। भालू की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विभिन्न प्रयासों के बावजूद उसकी संरक्षण की चुनौतियों का समाधान निकालना महत्वपूर्ण है। वन्यजीव संरक्षण के प्रोजेक्ट्स और कानूनी प्रावधानों के माध्यम से भालू की वन्य प्राणियों में स्थिति को सुरक्षित बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भालू एक महत्वपूर्ण और रोचक वन्यजीव है, जिसका प्राकृतिक और सामाजिक जीवन दोनों ही अध्ययनीय है। उसकी संरक्षण की आवश्यकता है ताकि हम भविष्य की पीढ़ियों को भी उसका दर्शन करने का आनंद लेने का मौका दे सके। हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में दिए गए भालू के बारे में जानकारी पसंद आई होगी। अगली वीडियो किस जानवर पर बनाए आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल नॉलेज हैकर को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके।